अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब लोग बखैरियत होंगे। प्यारे बच्चों, जहाने उर्दू कायदा का सफ़ा नंबर 15 और 16 खोलें। प्यारे बच्चों, हम इस सफ़े पर दो चश्मी हरूफ के बारे में पढ़ रहे हैं। बे ता ठे हम पिछले सबक में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लाइन नंबर 5, झे से बनने वाले अल्फाज, और सफ़ा नंबर 16 पर मौजूद लाइन नंबर 1, छे से बनने वाले अल्फाज। प्यारे बच्चों, अपना आज का सबक पढ़ने से पहले हम पिछले सबक की दोहराई करते हैं। प्यारे बच्चों, ये है दो चश्मी हर्फ थे। थे की आवाज है थ, थे थ थैला, थे थ थाली, थे थ थान, थे थ थैला, थे थ थाली, थे थ थान। प्यारे बच्चों, यह है थैला। थैला कपड़े का बना एक बैग होता है जिसमें लोग अपनी चीजें रखते हैं। यह है थाली। थाली प्लेट को कहते हैं। और यह है थान। थान बगैर सिले कपड़े के रोल को कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं ठे से बनने वाले अल्फाज। ठे की आवाज है ठ, ठे ठ ठेला, ठे ठ ठोड़ी, ठे ठ ठोकर, ठे ठ ठेला, ठे ठ ठोड़ी, ठे ठ ठोकर। प्यारे बच्चों, यह है ठेला। ठेला चार पहियों वाली एक रेडी होती है जिसपे फल और सब्जियां लगाकर बेचा जाता है। यह ठोड़ी। ठोड़ी हमारे चेहरे का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। और यह है ठोकर। ठोकर पांव से किसी भी चीज को जोर से मारने को ठोकर कहते हैं। आइए अब इन अल्फाज में मौजूद हरूफ और छोटी अशकाल की पहचान करते हैं। थे से बनने वाला पहला लफ्ज हमारे पास है थैला। थैला में सबसे पहले थे, थे के बाद ये की छोटी शक्ल, ये के बाद लाम की छोटी शक्ल, और लाम के बाद अलिफ मुकम्मल शक्ल में मौजूद है। इन तमाम हरूफ से मिलकर लफ्ज थैला बनता है। थे से बनने वाला दूसरा लफ्ज हमारे पास है थाली। थाली में सबसे पहले थे, थे के बाद अलिफ, अलिफ के बाद लाम की छोटी शक्ल, और लाम के बाद छोटी मुकम्मल शक्ल में मौजूद है। इन तमाम हरूफ से मिलकर लफ्ज थाली बनता है। थे से बनने वाला तीसरा लफ्ज हमारे पास है थान। थान में सबसे पहले थे, थे के बाद अलिफ और नून मुकम्मल शक्ल में मौजूद हैं। इन तमाम हरूफ से मिलकर लफ्ज थान बनता है। ठे से बनने वाला पहला लफ्ज हमारे पास है ठेला। ठेला में सबसे पहले ठे, ठे के बाद ये की छोटी शक्ल, ये के बाद लाम की छोटी शक्ल, और लाम के बाद अलिफ मुकम्मल शक्ल में मौजूद है। इन तमाम हरूफ से मिलकर लफ्ज ठेला बनता है। ठे से बनने वाला दूसरा लफ्ज हमारे पास है ठोड़ी। ठोड़ी में ठे, वाव, ड़े और छोटिये, इन तमाम हरूफ में किसी हरफ की छोटी शक्ल मौजूद नहीं है। ये तमाम हरूफ अपनी मुकम्मल शक्ल में मौजूद हैं। इन तमाम हरूफ से मिलकर लफ्ज ठोड़ी बनता है। ठे से बनने वाला तीसरा लफ्ज हमारे पास है ठोकर। ठोकर में सबसे पहले ठे, ठे के बाद वाव मुकम्मल शक्ल में मौजूद है, वाव के बाद काफ की छोटी शक्ल, और काफ के बाद रेप की बदली हुई शक्ल मौजूद है। इन तमाम हरूफ से मिलकर लफ्ज ठोकर बनता है। अब हम पढ़ते हैं अपना आज का सबक। प्यारे बच्चों, ये है दो चश्मी हर्फ झे। झे की आवाज है झ, झे झ झोंपड़ी, झे झ झूला, झे झ झंडा, झे झ झोंपड़ी, झे झ झूला, झे झ झंडा। प्यारे बच्चों, ये है झोंपड़ी। झोंपड़ी एक घास से बना हुआ छोटा सा घर होता है। ये है झूला जिस पर बच्चे शौक से बैठते हैं। और ये है हमारे प्यारे पाकिस्तान का झंडा जिसमें दो रंग होते हैं, सब्ज और सफेद। प्यारे बच्चों, ये है दो चश्मी हर्फ छे। छे की आवाज है छ, छे छ छड़ी, छे छ छतरी, छे छ छुरी, छे छ छड़ी, छे छ छतरी, छे छ छुरी। प्यारे बच्चों, छड़ी की मदद से बुजुर्ग और बीमार लोग सहारा लेते हैं। छतरी हमें धूप और बारिश से बचाती है। यह छुरी जिससे हम फलियां सब्जी काट सकते हैं।
प्यारे बच्चों, आइए अब इन अल्फाज में मौजूद हरूफ और छोटी अशकाल की पहचान करते हैं। प्यारे बच्चों, झे से बनने वाला पहला लफ्ज हमारे पास है झोंपड़ी। झोंपड़ी में सबसे पहले झे, झे के बाद वाव मुकम्मल शक्ल में, वाव के बाद नून की छोटी शक्ल, नून के बाद पे की छोटी शक्ल, पे के बाद अड़े की बदली हुई शक्ल और अड़े के बाद छोटी अपनी मुकम्मल शक्ल में मौजूद है। प्यारे बच्चों, इन तमाम हरूफ से मिलकर लफ्ज झोंपड़ी बनता है। झे से बनने वाला दूसरा लफ्ज हमारे पास है झंडा। झंडा में सबसे पहले झे, झे के बाद नून की छोटी शक्ल, नून के बाद डाल की बदली हुई शक्ल और डाल के बाद अलिफ मुकम्मल शक्ल में मौजूद है। इन तमाम हरूफ से मिलकर लफ्ज झंडा बनता है। प्यारे बच्चों, झे से बनने वाला तीसरा लफ्ज हमारे पास है झूला। झूला में सबसे पहले झे, झे के बाद वाव, वाव के बाद लाम की छोटी शक्ल और लाम के बाद अलिफ मुकम्मल शक्ल में मौजूद है। इन तमाम हरूफ से मिलकर लफ्ज झूला बनता है। प्यारे बच्चों, छे से बनने वाला पहला लफ्ज है छड़ी। छड़ी में सबसे पहले छे, छे के बाद रे की बदली हुई शक्ल, रे के बाद छोटी मुकम्मल शक्ल में मौजूद है। ये तीन हरूफ मिलकर लफ्ज छड़ी बनाते हैं। प्यारे बच्चों, ये हरूफ मिलकर लफ्ज छड़ी बनाते हैं। छे से बनने वाला दूसरा लफ्ज है छतरी। छतरी में सबसे पहले छे, छे के बाद ते की छोटी शक्ल, ते के बाद रे की बदली हुई शक्ल और रे के बाद छोटी मुकम्मल शक्ल में मौजूद है। इन तमाम हरूफ से मिलकर लफ्ज छतरी बनता है। छे से बनने वाला तीसरा लफ्ज है छुरी। छुरी में सबसे पहले छे, छे के बाद रे की बदली हुई शक्ल, रे के बाद छोटी मुकम्मल शक्ल में मौजूद है। इन तमाम हरूफ से मिलकर लफ्ज छुरी बनता है। प्यारे बच्चों, आइए अपने आज के सबक को फिर से पढ़ते हैं। झे झ झोंपड़ी, झे झ झूला, झे झ झंडा, झे झ झोंपड़ी, झे झ झूला, झे झ झंडा, छे छ छड़ी, छे छ छतरी, छे छ छुरी, छे छ छड़ी, छे छ छतरी, छे छ छुरी। प्यारे बच्चों, अपने आज के सबक को बार बार दोहराएं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अल्लाह।